दोस्तों, व्हाट्सएप ग्रुप का एडमिन किसी और को आप बनाना चाहते हैं तो फिर इस वीडियो को देखते रहिए। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप ग्रुप एडमिन बना सकते हैं और एक को नहीं बहुत सारे लोगों को आप ग्रुप एडमिन बना सकते हैं। और ग्रुप में एडमिन बनाने का बहुत सारा फ़ायदा है कि वो भी आप ग्रुप में मैसेज कर सकता है, उसके बाद किसी और को एडमिन कर सकता है या फिर ऐड कर सकता है, तो बहुत सारा बेनिफिट है। तो चलिए मैं आपको सिंपली उसी तरीके से बताता हूँ जैसे कि आप ग्रुप एडमिन किसी को बना सकते हो। तो आपको व्हाट्सएप को ओपन कर लेना है और जो ग्रुप आपने बनाया है उस पर आपको क्लिक कर देना है। और उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे ग्रुप नेम दिख जाएगा, इस पर आपको क्लिक करना है। और इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों नीचे आ जाएंगे आप, तो आपने जितने लोगों को ऐड किया है वो आपको यहाँ पर खुल के आ जाएगा। तो मैंने 3 लोगों को ही ऐड किया हुआ है, जैसे कि एक मैं हूँ और 2 अदर है। और यहाँ पर देख सकते हैं कि सिर्फ मैं ही अभी ग्रुप एडमिन हूँ और मैं इसे ग्रुप एडमिन बनाना चाहता हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं अजय ठाकुर है, इसे मैं ग्रुप एडमिन बनाना चाहता हूँ। तो इस पर मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन खुल के आ जाएगा। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको दिख जाएगा मैसेज व्यू एंड मेक ग्रुप एडमिन। यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 नंबर में मेक ग्रुप एडमिन का ऑप्शन है, इस पर आप क्लिक करेंगे दोस्तों तो अब आप देख सकते हैं कि ये भी ग्रुप एडमिन बन चुका है। अब ये भी मैसेज कर पाएगा ग्रुप में और इसके अलावा अब कोई मैसेज नहीं कर पाएगा। जब मैं इसे भी ग्रुप एडमिन बनाऊंगा तभी जाके ये भी मैसेज कर पाएगा। तो इसे मैं हटा देता हूं और रिमूव करने के लिए डिसमिस एज ग्रुप एज एडमिन पे क्लिक करेंगे दोस्तों, तो ये अब सिर्फ मैं और ये ग्रुप में मैसेज कर सकता हूं, उसके बाद किसी को ऐड कर सकता हूं या फिर किसी और को ग्रुप एडमिन बना सकता हूं, और ये जो है ये कुछ भी नहीं कर पाएगा। तो इस तरीके से आप किसी को भी ग्रुप एडमिन बना सकते हो, एक या फिर अनेक को भी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।